नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ ऋतिक। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। आज 24 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर से मतदान शुरू हो जाएगा। तीन मतदान होने हैं, तीन चरणों में बिहार में मतदान होगा और 10 नवंबर को बिहार में पता चल जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी के नेता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के घोषणा पत्र को जारी किया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में उन्होंने कई बड़े बड़े वायदे किए हैं और इनमें से एक बहुत बड़ा वादा उन्होंने रोजगार का किया है। जी हाँ, 10 लाख नौकरी देने की बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। हम अभी थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आप खुद देखिए किस तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है। अब 10 लाख नौकरी वो देंगे या ना देंगे ये तो वही जानते हैं, क्योंकि अब तो सरकार जिसकी बनेगी वही जाने। लेकिन ये बात उन्होंने कही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया है अपने घोषणा पत्र को, अपने मैनिफेस्टो को जारी करने के दौरान। उन्होंने जनता को कहा है कि वो अगर उनकी सरकार बनती है बिहार में तो वो 10 लाख पक्की नौकरी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, पक्की नौकरी दी जाएगी, वो भी सरकारी। और आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में देखकर आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह तेजस्वी यादव ने ये बात कही है। जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया, ये हम लोगों का प्लान है, प्लान हमारा संकल्प बदलाव जो कि सच होने वाला, इसमें काफी डिटेलिंग और काफी विस्तार हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीजों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई में बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते। हमने पहले भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर, रोजगार तो कचरे साफ करना वाला भी रोजगार हो और थोड़ा तक हो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ, लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में देख रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ये सच होने वाला है, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख सरकारी नौकरी वो देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 28 अक्टूबर को पहला मतदान है, 3 नवंबर को दूसरा मतदान है और 7 नवंबर को तीसरा मतदान है और 10 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की ये जो बात उन्होंने कही कि 10 लाख नौकरी वो देंगे, पक्की नौकरी वो देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो देते हैं कि नहीं, ये तो अब 10 नवंबर के बाद जब उनकी सरकार अगर बनती है तो ही पता चलेगा। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं विधानसभा के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। नमस्कार।